स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं अणु और परमाणु के बारे में। इससे पहले भी हमने अणु और परमाणु के बारे में बहुत सारी बातें की है, तो यहाँ पर जो हम देखने वाले हैं मुख्य रूप से तत्व और यौगिक के अणु के बारे में यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। एक बार थोड़ा सा रिमाइंड करवा दें हम कि परमाणु क्या होता है या अणु क्या होता है। देखो, पदार्थ के बारे में तो तुमको पता है, हमारे आसपास जितनी भी वस्तुएँ हैं वो सब का सब पदार्थ है, जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, जिसमें भार होता है, जो जगह घेरता है वो पदार्थ है। ठीक है, हमारे हाथ में मार्कर है, जिस मोबाइल से वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, जिस माइक का हम उपयोग कर रहे हैं, ये सारे के सारे क्या है, पदार्थ से बना हुआ है। और भी तुम्हारे आसपास में कुछ भी हो, तुम्हारा किताब, तुम्हारा कलम, तुम्हारा नोटबुक, सारा सारा पदार्थ है। ठीक है, अब जो भी पदार्थ होता है ना, वो अलग अलग प्रकार के परमाणुओं से बना होता है या एक ही प्रकार के परमाणुओं से बना होता है। ठीक है, बातें समझ में आ रही, यानी कि किसी भी पदार्थ को बनाने वाला सबसे छोटा कण, हम क्या बोल रहे हैं, किसी भी पदार्थ को बनाने वाला सबसे छोटा कण जो होता है ना, वो परमाणु कहलाता है। बातें समझ में आ रही है। यहाँ पर बात समझो, जिस प्रकार से घर को बनाने के लिए हम ईंट का प्रयोग करते हैं ना, ईंट से ईंट जोड़ करके हम क्या करते हैं, घर बना देते हैं। जिस प्रकार शरीर को बनाने के लिए, लिविंग थिंग को बनाने के लिए सेल्स की जरूरत होती है, उसी प्रकार है ना, अलग अलग पदार्थों को बनाने के लिए परमाणु की आवश्यकता होती है। अब तुमको पता हो तो तत्व जो है ना, हमने क्या पढ़ा है, ये पदार्थ दो प्रकार का होता है, एक तो होता है तत्व और एक होता है तुम्हारा यौगिक। अब यहाँ पर परमाणु के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं कि किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा कण परमाणु कहलाता है। परमाणु के बारे में बात समझ में आ गई, लेकिन अब फिर अणु क्या होता है, अणु क्या होता है। देखो, परमाणु जो है ना, परमाणुओं से मिलकर के अणु का निर्माण होता है। मेनली जो हमारा पदार्थ बना होता है वो किसका बना होता है, अणु का बना होता है। अणु बना होता है परमाणु से मिलकर के। अब समझो, जैसे उदाहरण में हम बात कर ले, जैसे हम बात करते हैं H2O, ये क्या है, इसको हम एक पदार्थ के श्रेणी में रख सकते हैं। क्यों रख सकते हैं भाई, इसमें भार होता है, यह स्थान घेरता है, इसको हम लोग महसूस कर सकते हैं, और ये बल भी लगा सकता है, मतलब अवरोध भी उत्पन्न कर सकता है। तो H2O यानी कि पानी एक पदार्थ है। ठीक है जी, पानी एक पदार्थ है, और इस पानी को बनाने वाले यहाँ पर देखेंगे हाइड्रोजन के दो परमाणु, टू एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन के दो एटम है और ऑक्सीजन के एक एटम है, ऑक्सीजन के एक एटम है। बातें समझ में आई। एक जल के अणु को बनाने में यहाँ पर हाइड्रोजन का दो परमाणु और ऑक्सीजन का एक परमाणु लग रहा है, यानी कि पदार्थ को बनाने, पदार्थ का सबसे छोटा कण क्या होता है, अणु होता है, जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। और अणु का जो छोटा कण होता है ना, वो होता है तुम्हारा परमाणु। पदार्थ अणुओं से मिलकर के बना होता है और अणु परमाणुओं से मिलकर के बना होता है। बातें समझ में आ गई। ठीक है जी, अब देखो तत्व क्या होता है, तत्व के बारे में बताओ। तत्व वह शुद्ध पदार्थ होता है जिसको और ज़्यादा विभाजित नहीं किया जा सकता, और ज़्यादा दूसरे पदार्थों में हम विभाजित उसको नहीं कर सकते हैं। या तत्व ऐसा पदार्थ होता है जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर के बना होता है। हमने क्या कहा, तत्व का मतलब क्या कहा हमने, तत्व का मतलब कहा कि एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर के तत्व बनेगा। इट मीन्स कि तत्व में बाबू एक ही प्रकार का परमाणु होगा, अलग अलग परमाणु नहीं होगा। तत्व में क्या होगा, एक ही प्रकार का परमाणु होगा। सपोज अगर हम मान ले आयरन को लिखते हैं, जिसका सिंबल Fe होता है, आयरन मतलब लोहा, तो इसमें लोहा में बता दो हमको, क्या दूसरा कोई और तत्व तुमको नज़र आने वाला है, बिल्कुल नज़र नहीं आएगा। जैसे हम मान लो H2 लिखते हैं, तो ये हाइड्रोजन का एक अणु है, क्या है, हाइड्रोजन का एक अणु है। ठीक है, इस तरह से Cl2 लिखते हैं, N2 लिखते हैं, ठीक है, O2 लिखते हैं। तो अगर हम बात करें
ये सारे के सारे एलिमेंट हैं, ये सारे के सारे एलिमेंट हैं। हाइड्रोजन एक तत्व है, क्लोरीन तत्व है, नाइट्रोजन तत्व है, ऑक्सीजन एक तत्व है। इसी तरह से अगर बात करें हम H2O, H2SO4, NH3, ठीक है, CaCO3, ये सारे कंपाउंड है। कंपाउंड मतलब दो या दो से अधिक पदार्थ, ठीक है, जब एक निश्चित अनुपात में मिलता है ना, रासायनिक संयोग करता है ना, तो यौगिक का निर्माण होता है। तत्व और यौगिक में डिफरेंस क्या है बाबू? तत्व का जो अणु होता है ना, वो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर के बना होता है। अगर पूछे कि हम यहां पर चर्चा क्या कर रहे हैं, तत्व का अणु और यौगिक के अणु में क्या डिफरेंस है, कि तत्व का अणु जो है ना, वो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर के बना होगा, बट यौगिक का जो अणु होगा ना, वो अलग अलग प्रकार के परमाणुओं से मिलकर के बना होगा। यहां पर समझो ना, यहां पर देखो, हाइड्रोजन एक तत्व है, इसका परमाणु हाइड्रोजन के दो, इसका अणु जो हाइड्रोजन के दो परमाणुओं से मिलकर के बना हुआ है ना, दिख रहा है ना। यहां पर क्लोरीन देख लो, क्लोरीन जो है एक तत्व है, और इसका जो एक अणु है, क्योंकि ये क्या है, एक अणु है, और इसमें दो एटम्स ऑफ क्लोरीन है, यानी कि क्लोरीन के दो परमाणु यहाँ पर क्लोरीन के एक अणु में है। इस तरह से अगर N2 की बात करें, तो N2 में एक अणु है नाइट्रोजन का, जिसमें नाइट्रोजन का दो परमाणु है। इसी तरह से ऑक्सीजन के बारे में बात कर सकते हैं। लेकिन अगर मानो हम यौगिक के अणु की बात करते हैं, तत्व के अणु में तो एक ही प्रकार का एटम्स होता है, एक ही प्रकार का परमाणु होता है, अलग अलग प्रकार का परमाणु नहीं होगा। बट यहाँ पर यदि हम बात करें यौगिक के परमाणु में, तो यौगिक के अणु में, सॉरी परमाणु ने अणु में, यौगिक के अणु में बात करें, तो यौगिक के अणु में एक से अधिक प्रकार के परमाणु हो सकते हैं। जैसे जल का एक अणु यहाँ पर दिखा रहे हैं हम H2O, तो यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, दो है, और ऑक्सीजन कितना है, एक है। यानी कि जल के एक अणु में दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन है। H2SO4 ये सल्फ्यूरिक एसिड है, इसका एक अणु अगर पकड़ेंगे तो हाइड्रोजन तुमको मिल जाएगा दो, हाइड्रोजन के दो परमाणु, सल्फर का एक परमाणु, ऑक्सीजन का चार परमाणु ये तुमको मिलने वाला है। H2SO4 में हम क्या देख रहे हैं, हम देख क्या रहे हैं, अब तत्व का जो अणु बनता था ना, वो एक ही प्रकार के परमाणुओं से बनता था, लेकिन यौगिक का जो अणु बन रहा है ना, वो अलग अलग प्रकार के परमाणुओं से मिलकर के बनता है। बस इतना ही समझना है हमको। NH4 देखो, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, NH3 ना, NH3 देखो, जिसको हम लोग अमोनिया बोलते हैं, यहाँ पर नाइट्रोजन का एक परमाणु और हाइड्रोजन का तीन परमाणु, यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट जिसको हम लोग संगमरमर भी बोलते हैं, यहाँ पर कैल्शियम का एक परमाणु और कार्बन का एक परमाणु और ऑक्सीजन का तीन परमाणु यहाँ पर तुमको नजर आने वाला है, ठीक है। तो मेनली डिफरेंस क्या क्या है तत्व के अणु में और यौगिक के अणु में, तत्व का अणु जो है वो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर के बना होता है, जबकि यौगिक का अणु अलग अलग प्रकार के परमाणुओं से मिलकर के बना होता है।